डेली के तब क्या करते हैं ये बैलमंडी दोस्तों नमस्कार। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने क्षेत्र के एकमात्र स्वतंत्र संग्राम सेनानी श्री साधु सिंह देश जी के यहाँ सांप पकड़ने आया हूँ। काला नाग है ये, इधर दिख देखो तो आया है। आजा आजा ये यही से पुकार रहा है और इसको बतरी जगह मिल गई थी। ये देखिए काफी गुस्से में है और इसके दांत देखिए, इसको सर्दी भी लग गई थी और इसको सुरक्षित पकड़ लेगा। सांपों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना कर, सांप की सूचना 108 को दे, वन विभाग को दे, हमें दे। ये अभी 2.5 या 3 साल का बच्चा है, ये देखिए काफी गुस्से में है और शायद बम पटाखों की आवाज से भी डर के छुप गया था। ये आपको तब दिखाई दिया होगा जब इसको भूख लगी होगी। ये 3-4 दिन से मेरे ख्याल से जैसे जिसका इसका मुआ बना हुआ 3-4 दिन से इस घर में था। फोटो खिंचाएंगे जो इस वाला फोटो फोटो ले लो दो चार अनपी सही फोटो करते हैं। कितना एक मिनट थोड़ा पास जाओ मैं बस दांत चेक करना मेरा खाना खाने का गिर गया उसको वो देखा जरा भाई तेरे को भाई स्टॉप कर रहा सबको दे रहा है भाई सबको दे रहा है ये आपके घर में 3-4 दिन ज्यादा है। अच्छा हां आज नहीं आ रहे इधर बस मुंह में ये लगाओ ना ये 3-4 दिन इस तरह से इन्होंने तो अभी देखा है जाकर नहीं तो इसे भूख लगी तभी ने दिखाई दिया पूरा खोले दंड से पहले मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे समाज सेवी भारत भूषण कौशल पेले जी का। मुझे मेरे वार्ड में साधु सिंह बीस जी जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं उनके बड़े पुत्र जी का फोन आया था। उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि उनके घर में एक सांप आ गया है, तो मैंने तुरंत भारत भाई को फोन किया। भारत भाई फोन करते ही 10 मिनट के अंदर डोईवाला से यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने एक जहरीला नाग पकड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत भाई को कि भारत भाई ने सांप पकड़ा और परिवार को भयमुक्त किया। धन्यवाद भारत भाई, हम भी बहुत आभारी हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज मैं अपने क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साधु सिंह बीस जी के यहाँ जाने का मौका मिला। उनके घर में कोबरा काला नाग जिसको एक तरीके से मौत का दूत कहते हैं वो घुस गया था। सूचना मिली हिमांशु भाई द्वारा 10 मिनटों में उनके घर पहुंच गया और तुरंत उसको रेस्क्यू किया। उसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है क्योंकि सांप को घर में रखना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ये प्राकृतिक जीव है, इसके काटने पर मौत भी हो सकती है और हमें इसको इसके आजकल हम सारे सांप यही छोड़ रहे हैं। ये चल दिया सांप, देखिए
देखिए सांप कैसे अपने प्राकृतिक वास में जाते हुए। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना आप 108 को दें, वन विभाग को दें या हमें दें। आज ये जैकेट मुझे पहनने का मौका मिला, मेरे बड़े साले साहब राजकुमार जी लाए और मैंने कहा इसको पहनकर सांप पकड़ने जाना है और तुरंत ही फोन आ गया, सांप को पकड़े उसके सुरक्षित तो आज छोड़ दिया। सांपों की सूचना 108 को दें, वन विभाग को दें या हमें दें। आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको और आपके परिवार को खतरा हो।